Hi guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. और ये हैं question and answer volume number 34 part 2. इससे पहले अभी हम एक session जो है वो कर चुके हैं और ये उसका second part है. Hi Pranav. और इसमें जो भी आपके प्राइम क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं. और ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए है. दादा लुकिंग गुड एंड हैंडसम, थैंक यू. धनु लग्न में चंद्रमा केतु इन फोर्थ हाउस. देखिए, धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो योग कारक होता है, यानी आपके लिए अच्छा होता है. बट केतु के साथ प्लेस्ड है फोर्थ हाउस में, ये ठीक नहीं है. केतु अगर फोर्थ हाउस में प्लेस होगा तो फोर्थ हाउस की चीजों को केतु डैमेज करता है. इनिशियल लाइफ में तो वो चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आगे चल के आप उन चीजों से सेपरेट होना शुरू हो जाते हो. दूसरा, मदर की जो हेल्थ है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है और ये आपके कंफर्ट्स को डिस्टर्ब करता है केतु फोर्थ हाउस में. वृश्चिक लग्न ट्वेल्थ हाउस इन सन एंड मार्स. वृश्चिक लग्न में अगर ट्वेल्थ हाउस में अगर सन होगा तो सन जो है वो आपके टेंथ हाउस का लॉर्ड होगा और मंगल जो है वो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है. तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर दोनों के दोनों अगर ट्वेल्थ हाउस में आते हैं तो जो आपका कैरियर है वो ट्वेल्थ हाउस से संबंधित हो सकता है, यानी किसी आध्यात्मिक फील्ड में आपका कैरियर हो सकता है या कहीं पर विदेश में जाके आप सेटल हो सकते हैं. दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जो भी आपका कैरियर है वो थोड़ा सा हिडन है, मतलब जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही जाना, कहीं विदेश में जाना है. वो जो आपका कैरियर ऐसा हो सकता है कि वो पब्लिक से थोड़ा सा हिडन हो, थोड़ा सा छुपके वो काम करें आप, और किसी रिसर्च के फील्ड में हो सकते हैं आप. हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, कोई पेंटर हो जो अपने स्टूडियो में बैठ के पेंट वेंट डिजाइन विजाइन करता हो, तो इस टाइप का कैरियर, यानी जो पब्लिक लाइफ से छुपा हुआ हो उसका संबंध भी ट्वेल्थ हाउस से. वृश्चिक लग्न ट्वेल्थ हाउस इन सन, नवरात्रि में मेष राशि का कैसा जाएगा? देखिए, नवरात्रि से कोई राशियों का कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके बर्थ चार्ट से लेना देना होता है. कुंजल सैटर्न एंड राहु इन नाइन्थ हाउस इन वृषभ लग्ना. देखिए, सैटर्न और राहु अगर नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ये एक बड़ा वाला पितृदोष है, तो इसके लिए आपको पितृदोष की शांति करानी है. सैटर्न अगर राहु एक साथ अगर प्लेस्ड है, नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो ये आपके भाग्य को डैमेज करते हैं, यानी भाग्य से मिलने वाली जो चीजें हैं वो डैमेज हो जाती हैं. दूसरा, आपके हायर एजुकेशन को स्लो कर देते हैं. फादर से मिलने वाली जितनी भी जो चीजें होती हैं, फादर से मिलने वाला जितना भी जो गेन होता है, उन चीजों को ये यहाँ पर डिस्टर्ब करता है. किस्मत से मिलने वाली जो चीजें होती हैं उन चीजों को यहाँ पर डिस्टर्ब करता है, तो इसके लिए आपको इसकी शांति करवानी होगी. बट आफ्टर 35 सैटर्न यहाँ से आपको रिलीज कर देता है और राहु जो है वो 48 के बाद आपको रिलीज करता है. कन्या लगन है और मंगल इन लिब्रा साइन में है, व्हाट रिजल्ट मंगल गिव्स. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप इससे पहले का हमारा जो सेशन अगर आप वो देखते हैं वॉल्यूम नंबर 34 पार्ट 1, तो उसमें मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूं. राहु इन 10th हाउस इन नवमांशा. देखिए, नवमांशा चार्ट में अगर राहु 10th हाउस में होगा तो वो आपके लाइफ पार्टनर के 4th हाउस में होगा. वो आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली होती है एक प्रकार से, बिकॉज उसमें जो 7th हाउस है वो आपके लाइफ पार्टनर का 7th हाउस बनता है. और नवमांशा जो है वो अगर उसका फर्स्ट हाउस है और अगर मून राहु आपके 10th हाउस में है, लेकिन कौन सी राशि में प्लेस्ड है ये देखना बहुत जरूरी है. अगर मान लिया वो कैप्रिकॉर्न में है तो ये आपके कैरियर को अफेक्ट करता है, अगर किसी और राशि में आता है तो वो दूसरी चीजों को अफेक्ट कर सकता है. बट अगर 10th हाउस में है तो वो ये मान के चलें कि आपके लाइफ पार्टनर के 4th हाउस में है.
शनि केतु इन 11th हाउस, शुक्र गुरु सूर्य बुध, ये काफी लंबा हो गया, शनि और केतु अगर 11th हाउस में होंगे तो ये आपकी इनकम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप चीजों को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे। आप कोई भी एफर्ट्स लगा रहे हैं तो केतु आपको वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, आपको लेजी बना देगा, तो ज्यादा गेन नहीं होने देगा। दूसरा, आपके जो बड़े भाई हैं या बड़ी सिस्टर है उनके लिए ठीक नहीं है, उनसे सेपरेट करवाता है ये योग। मर्करी एंड वीनस इन 12th हाउस इन टॉरस एसेंडेंट, टॉरस एसेंडेंट में अगर वीनस अगर 12th हाउस में चला जाता है तो वीनस यहां पर एरीज साइन में जाएगा, तो इसके कारण ये हो सकता है कि जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी हो वो काफी हिडन हो, काफी छुपी हुई हो। आप ये भी हो सकता है कि जहां आपका बर्थ हुआ है उस जगह से कहीं आप दूर चले जाएं, जहां आपकी आइडेंटिटी आपकी पहचान का लॉस हो जाता है, या आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहां पर लोग आपको ना जानते हैं, अननोन लोगों के साथ आपका रहना हो सकता है। मैंने शांति करवाई है पितृ दोष की सर, अगर कोई दूसरा डेली घर पे कर पाए ऐसा उपाय है पितृ दोष का? देखिए, ये पितृ दोष की जो शांति आपने घर में करवाई है तो घर पे कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जो जब श्राद्ध चलते हैं तब आप अगर ये शांति करवाएंगे, जैसे कल ही श्राद्ध खत्म हुआ है तो श्राद्धों में अगर ये शांति करवाएंगे, मतलब आज मॉर्निंग में खत्म हुआ श्राद्ध, तो अगर ये श्राद्धों में अगर शांति करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आप घर में हैं तो आप जो भी आपके वहां पर पुरोहित हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आप उनसे पूछ के भी वहां के हिसाब से विधि विधान कर सकते हैं। जुपिटर इन 9th इन कैंसर, मार्स एंड वीनस इन 10th वर्गो, ये काफी लंबा है। जुपिटर अगर 9th हाउस में है, कैंसर साइन में है, तो जुपिटर यहां पर अपने फ्रेंडली साइन में होगा। ये आपकी एजुकेशन के लिए बढ़िया है, हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, आपको टीचर बनाता है, गुरु बनाता है, लेक्चरर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है। बट उसके लिए मून की पोजीशन को देखना होगा कि मून की पोजीशन क्या है। मून की पोजीशन अगर अच्छी है तो एजुकेशन लाइन में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, अगर मून की पोजीशन खराब है तब आपकी एजुकेशन में ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। 6th हाउस में मेष राशि में बुध शनि युति, 6th हाउस में अगर मेष राशि में अगर बुध और शनि है तो शनि यहां पर अपने डेबिलिटेशन में होगा, राइट लेग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज हो सकती है, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है और जॉब को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपके इंटेस्टाइन में दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। राहु 9th हाउस सिंह राशि धनु लगन मंगल शुक्र लगन में, राहु 9th हाउस सिंह राशि धनु लगन मंगल शुक्र लगन में। देखिए, राहु अगर 9th हाउस में होगा तो यहां पर राहु पितृदोष बनाता है, तो इसके लिए पितृदोष की शांति करवानी होगी। दूसरा, फादर से बनने नहीं देता, गुरु से बनने नहीं देता, फादर और गुरु से जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, भाग्य में तकलीफ आती है, भाग्य से चीजें मिल नहीं पाती है। अगर सैटर्न 8th हाउस में हो रेट्रोग्रेड, अगर सैटर्न 8th हाउस में हो रेट्रोग्रेड होकर मकर राशि में क्या फल देता है? देखिए, वक्री शनि अगर 8th हाउस में है तो वक्री शनि यहां पर अच्छा माना जाता है 8th हाउस में, अगर ऑन साइन में है तो भी अच्छा है, तो होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को यहां पर ये डिले करता है, रोकता है, लेकिन इन-लॉज से मिलने वाले गेन को भी यहां पर ये डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, लाइफ पार्टनर से मिलने वाले गेन को यहां पर ये डिस्टर्ब करता है, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें होती हैं जैसे एक्सीडेंट होना, एमरजेंसी आना, तो उनके लिए अच्छा है, वो चीजें होती होते टल जाती है, तो उन चीजों का फायदा है यहाँ पर। वृष लगन शुक्र सेकंड हाउस नीच का शादी, अब तक राहुल 9th हाउस गोमेद रत्न चलेगा, वृश्चिक लगन शुक्र सेकंड हाउस में नीच का, समझ में नहीं आया कुछ। हाय श्याम जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच सर, आई फॉलो यू चैनल, योर वीडियो आर वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू जी,
धनु लगन में आदित्य युति इन नाइन्थ हाउस, आदित्य युति बुध आदित्य योग तो होता है, आदित्य युति तो मैंने आई थिंक सुना नहीं है। कुंभ लगन सन मून मरकरी इन टेंथ हाउस, देखिए टेंथ हाउस में जो भी प्लेनेट आता है वो आपको नाम और सम्मान देता है और आपके कैरियर को ऊपर तक लेके जाता है, लेकिन उसके लिए टेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा कि टेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अपने ऑन साइन में है, एजुकेशन में है, तब आपके कैरियर में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। एक से ज्यादा फील्ड में आप काम कर सकते हैं, अगर तीन चार प्लेनेट अगर आते हैं टेंथ हाउस में तो एक से ज्यादा चीजों में आपका कैरियर बन सकता है, लेकिन उसके लिए टेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी है। और दूसरा ये भी देखना है कि कहीं सैटर्न का या केतु का कोई एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है टेंथ हाउस में, अगर पड़ रहा है तो चीजें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सन सीरीज आगे लीजिए, जी बिल्कुल सन सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ और आपकी वीडियोस में बिजी चल रहा हूँ। अभी राहु की सीरीज खत्म हुई है, फिर उसके बाद कल एक मॉर्निंग में एक राहु की जो राहु इन 12th हाउस विद द लॉर्ड ऑफ डिफरेंट हाउस, ये कल मॉर्निंग में रिलीज होगा और फिर आप लोगों के लिए लाइव भी करना है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपकी जो सन वाली सीरीज है उसको आगे लेके चलूंगा। सन इन 11th हाउस फॉर लिब्रा एसेंडेंट, लिब्रा एसेंडेंट में अगर सन 11th हाउस में है तो सन यहाँ पर अपने ऑन साइन में होगा, तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है बहुत रॉयल और रीगल हो सकता है, आपके फ्रेंड लोग काफी पावरफुल हो सकते हैं और पॉलिटिकल लोगों से भी आपका काफी अच्छा रिलेशन बन सकता है। दूसरा जो आपकी इनकम के सोर्सेज होंगे वो काफी अच्छे हो सकते हैं, सरकारी लोगों से आपको फायदा हो सकता है, सरकार से आपको फायदा हो सकता है, पर उसके लिए ये भी देखना है कि कहीं केतु तो साथ में नहीं है, केतु का एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा, सैटर्न का एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा, अगर ये चीजें होंगी तो चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती है। सर प्रणाम, किस रेमेडी से मूंगा जेमस्टोन जैसा लाभ लिया जा सकता है, कोई मंत्र या उपाय बताएं। मंगल का मंत्र का जाप कर सकते हैं, अगर आप मूंगा पहन रहे हैं तो मंगल के मंत्र का आप जाप करें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। स्कॉर्पियो लगन सैटर्न एंड केतु इन 5th हाउस इन मीन राशि, रिजल्ट एंड सॉल्यूशन प्लीज। देखिए स्कॉर्पियो लगन में शनि जो है वो योग कारक नहीं माना जाता है और केतु तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, और केतु और सैटर्न अगर 5th हाउस में है तो चाइल्ड बर्थ के लिए ठीक नहीं है, रोमांटिक एक्टिविटीज के लिए ठीक नहीं है और आपके लक को यहाँ पर ये डैमेज करता है, और दूसरा मैरिटल जो रिलेशन है उसको भी डिस्टर्ब करता है, शादी से मिलने वाला जो गेन है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए आप शनि की और केतु की रेमेडी करें, ब्लैक कलर के डॉग को फीड करें, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें, और ऑनियन और गार्लिक जो है वो बहते पानी में बहाएं सैटरडे वाले दिन, ट्यूजडे वाले दिन, और शनि के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नारियल को बहते पानी में बहाएं 7 times रोटेट करने के बाद हेड के ऊपर से क्लॉकवाइज, सैटरडे वाले दिन आप नारियल को बहते पानी में बहा सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जेमिनी लगन जुपिटर इन 5th हाउस वीनस इन लियो, जेमिनी लगन में जुपिटर अगर 5th हाउस में है तो जुपिटर जो है वो आपके लिए योग कारक नहीं है और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो लव मैरिज करवा सकता है, और वीनस अगर लियो साइन में है तो ऑफ कोर्स लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट इसके लिए देखना पड़ेगा कि 5th हाउस के ऊपर और 7th हाउस के ऊपर कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट तो नहीं है, या 5th हाउस के ऊपर या 7th हाउस के ऊपर कहीं केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है, 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड कहीं केतु और सैटर्न के साथ तो नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। बट अगर ये प्लेसमेंट है और अगर कोई भी मैलेफिक अगर प्लेनेट इनको डिस्टर्ब नहीं करता है तो ये लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा योग। सेवेंथ हाउस लॉर्ड मार्स इन 5th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड अगर मार्स अगर 5th हाउस में होगा तो लव एंड रोमांस के लिए, मैरिज के लिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, आप अपने रोमांटिक पार्टी के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा ये मार्स अगर 5th हाउस में है तो मेल चाइल्ड के लिए ठीक है,
बट अगर अपने फ्रेंडली साइन में है तभी ठीक है, अगर अपने एनिमी साइन में है तो चीजों को डैमेज भी कर सकता है। परफेक्ट 100% ट्रू सर अबाउट केतु। ओके जी, देखिए जो भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो मैं आपको यहां पर प्रेडिक्शन देता हूं, अगर ये प्रेडिक्शन आपसे मैच करती है तो यहां पर आप रिप्लाई जरूर करें कि वो चीज आपसे मैच करती है। उससे और भी लोगों को बेनिफिट होगा, और भी लोगों का फेथ बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप उन चीजों को रिवील नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा ठीक नहीं होती हैं चीजें। सो गाइस, आपको थोड़ा सा इसमें अपने आंसर के अंदर थोड़ा सा डालना भी पड़ेगा कि जो चीज आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, अगर वो अपने आंसर में आप डालते हैं तो वो और भी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सनी इन थर्ड हाउस इन कैप्रिकॉन। सनी अगर थर्ड हाउस में है, कैप्रिकॉन साइन में है, तो बहुत अच्छा है। इनिशियल लाइन में सनी यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन आगे चल के आपका जो कैरियर है, आपका जो कर्म है, वो थर्ड हाउस से संबंधित होगा। यानी आप अपनी स्किल से पहचाने जाएंगे, जो भी आपका हैंड स्किल है, जो भी आपका काम है। मान लीजिए आप कोई एंकर है, मान लीजिए आप न्यूज चैनल में काम करते हैं, तो उन चीजों से आपकी पहचान बनेगी और उन चीजों में आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इनिशियल लाइफ में ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब करता है। एक्चुअल में शनि की प्लेसमेंट जहां होती है और शनि जहां पर देखता है, शनि उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आया है। आप लाइफ में उन्हीं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। शनि की प्लेसमेंट जहां पर और शनि जहां पर देख रहा है, हम लाइफ में उन्हीं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमारा कर्मा बनता है। बिकॉज वो चीजें जो है उनका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है जहां पर शनि देखता है या शनि की प्लेसमेंट होती है। तो उन्हीं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जन्म हुआ है और बाद में वही चीजें इंप्रूव होती हैं। किसी की लाइफ में वो चीजें ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, किसी की लाइफ में कम इंप्रूव होती हैं। लेकिन शनि जहां पर प्लेस्ड है, जहां देख रहा है, उन चीजों के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और एफर्ट्स आपको लगाने भी चाहिए अगर लाइफ में उन चीजों को अगर आपको इंप्रूव करना है तो। और ये आपका कर्मा भी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल एक दो दिन में जल्दी आने वाला है। और आप अपने जानकार लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनको भी फायदा मिल सके। और कोई भी अगर आपका फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक हमारा ब्लॉग है फेसबुक में, एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन। तो अगर उसमें भी अगर आप अपने क्वेश्चन अगर पोस्ट करते हैं तो वहां से भी आपको इजीली आंसर मिल सकता है। और मैं अभी यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9599336493। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मैंने पोस्ट कर दिया है। तो इसमें जो भी आपके फर्दर क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप बुकिंग भी कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप या तो फेसबुक में जाके या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें अपनी चीजें बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। लव यू ऑल।